हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है फास्ट ट्रैक कोर्ट, और जितने भी टॉपिक हैं सारे जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं सीजीएल 2018 के, जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा दिसंबर के एंड में, तो एक बार जरूर उनको देखे जाइए। प्ले लिस्ट में लिंक दिया हुआ है सारी चीज़ों का। इसके अलावा आपको ये PDF चाहिए, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसमें आपको ये सारे लेटेस्ट टॉपिक जो है मिल जाएंगे। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट देखिए, वर एस्टैब्लिश इन इंडिया इन द ईयर 2000 के आसपास ये हुआ था, विद द एम टू क्लियर द लॉन्ग पेंडिंग सेशंस एंड द अदर लोअर जुडिशियल केसेज। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम ही यही है, हमारे कोर्ट में कितने सारे केसेस चले रहते हैं जिनके सालों लग जाते हैं, मतलब वो पेंडिंग ही रह जाते हैं, कितने सारे केसेज हैं। एन एवरेज ऑफ 5 FTC वर टू बी एस्टेब्लिश इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री में लगभग 5 FTC जो हैं वो एस्टेब्लिश किए गए हैं ऑन एन एवरेज हर डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो होते हैं ये एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शंस के रिगार्डिंग होते हैं। एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन मतलब जैसे मर्डर के केसेस हैं वो पर्टिकुलर एक FTC उनको देखेगा, और जो रेप वगैरह के जो केसेस हैं उनको एक अलग FTC देखेगा। तो इस तरह से एक्सक्लूसिवली ज्यूरिडिक्शन इसमें होगा। फॉर द नेक्स्ट 5 years 2000 to 2005 दीज 5 ट्रैक कोड वर्क एफिशिएंटली, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया और 10 मिलियन केसेस इन्होंने सोल्व किए। इसी पर्पस ये बनाए गए थे, क्योंकि हमारे देश में न्याय जो है वो इतने इतने टाइम लग जाता है, जो है जो रेप केसेस हैं, इवन जो अभी उन्नाव केसेस हैं, हैदराबाद केसेस केस आपने देख लिया, तो उसमें मतलब लोगों ने ये इच्छा जाहिर की है कि, और जो उन्नाव केस हुआ था भाई ये जो, और स्पेशली जो निर्भया केस हुआ था उसमें मतलब जो जस्टिस आने में इतना इतना टाइम लग गया था, तो उसी के ध्यान में रखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे देश की न्यायपालिका है वो भी यही चीज़ सोचती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। इन 2005 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंटिन्यू विद द FTC। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में डायरेक्ट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये FTC कंटिन्यू रखो। FTC स्कीम द गवर्नमेंट डिसकंटिन्यूड द FTC स्कीम इन मार्च 2011। देखिए, यहाँ पे डिसकंटिन्यूड का मतलब ये है कि इसको बंद नहीं करना, इसका मतलब ये है कि इसके लिए जो फंडिंग थी वो बेसिकली इनको सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी फंडिंग, लेकिन अभी इन्होंने कहा है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो अब अपने खुद से करिए। यहाँ पे लिखा हुआ था द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉप गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट फॉर एस्टेब्लिशिंग FTC, द स्टेट कुड एस्टेब्लिश FTC फ्रॉम देयर ओन फंड, कि अपने फंड में से आप FTC जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हो। एज ऑन 31/12/2018 699 FTC जो है वो फंक्शनल हैं। ये लगभग पहले 1700 के आसपास थी, और 1700 से अब 699 FTC जो है फंक्शनल है। इससे पहले जो जितनी बंद हुई हैं 1700 से लेके जो 1700 थी, जिसमें 700 जो है फंक्शनल अभी, और जो बाकी बंद हुई हैं वो उनका कारण यही था कि उसको जो है वो फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिली, इसी वजह से वो बंद हो गई थी। क्योंकि पहले इनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनको फंडिंग प्रोवाइड करती थी। दीज FTC आर डीलिंग केसेस पर्टेनिंग टू द हीनियस क्राइम। अभी FTC जो है वो बेसिकली एक्सक्लूसिवली ज्यूरिडिक्शन इसमें होता है, एंड डेट पर्टेन टू द हीनियस क्राइम एंड केसेस रिलेटेड टू वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन, डिसेबल्ड एंड लिटिगेंट्स अफेक्टेड विद टर्मिनल एलमेंट्स, ठीक है, एंड सिविल नेचर्ड केसेस पर्टेन द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जो कि 5 साल से भी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में अगर सारे केसेस को मिला दिया जाए ना, तो सारे केसेस की संख्या इतनी ज़्यादा है, जितने ज़्यादा मतलब इतनी तो कोर्ट भी नहीं है और जजेस भी नहीं हैं सुनवाई करने के लिए, तो फिर कैसे उनका निपटारा होगा। तो उसके लिए FTC होना बहुत ज़रूरी है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप ऑफ FTSCs lies with the state and UT government, जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनको सेटअप करने की। द स्टेट एंड UT गवर्नमेंट विल टेक रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द हाई कोर्ट एंड ड्राप एन एक्शन प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जजेस आर, और इसमें जो जजेस होंगे वो बेसिकली, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस इसमें अपॉइंट हो जाएंगे, वो एडहॉक बेसिस पर रख लेते हैं। और यही इसमें सबसे बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जजेस की बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। उसके बाद देखिए, इंक्लूडिंग हाउएवर 56% ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात, जितनी भी बड़े ही ये स्टेट हैं, इनमें FTCs नहीं हैं। डिस्पाइट ए स्ट्रॉन्ग लॉ एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, लार्ज नंबर ऑफ रेप एंड पोस्को एक्ट केसेस प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस की फुल फॉर्म है,
केसेस आर पेंडिंग इन वेरियस कोर्ट इन द कंट्री, और पोस्को को लेकर के तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा कि इसकी तो सुनवाई तुरंत होनी ही चाहिए। तो मैं दिखा देता हूँ पोस्को एक्ट के बारे में थोड़ा सा। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ये कानून सरकार ने साल 2012 में बनाया था, जो कि पूरे भारत में लागू होता है। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले सेक्सुअल ऑफेंसेस और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। डिमांड फ्रॉम द सिविल सोसाइटी फॉर एक्सपीडिएटेड जस्टिस इन रेप केसेस, द पोस्को एक्ट आल्सो मैंडेट, मतलब वही है कि रेप केसेस हैं इनमें तुरंत जो है वो न्याय मिलना चाहिए। डिमांड फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, ठीक है, सिविल मतलब लोगों के प्रति जो गुस्सा है, आक्रोश है, उसकी वजह से भी इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। FTC को काफ़ी मतलब इम्प्लीमेंट करने में आसानी हुई। सुप्रीम कोर्ट भी मानती है, सरकार भी मानती है कि FTC होना चाहिए। द पोस्को एक्ट आल्सो मैंडेट डेट द इन्वेस्टिगेशन इन द केसेस टू बी कम्प्लीटेड इन 2 मंथ्स एंड द ट्रायल इन 6 मंथ्स, कि जो इन्वेस्टिगेशन है बेसिकली 2 मंथ्स के अंदर अंदर कम्प्लीट हो जानी चाहिए। FTC लैक टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज टू कंडक्ट। अब आगे इसके चैलेंजेस हैं कि क्या क्या इसमें कमियां हैं, यही है, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज नहीं है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को कंडक्ट करवाने के लिए, विक्टिम्स की इनएडिक्वेट स्टाफ है, इतने जजेस नहीं हैं, IT स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। आल्सो डिले इन गेटिंग रिपोर्ट्स, डिले इन गेटिंग रिपोर्ट फ्रॉम द अंडर स्टाफ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इतनी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज जो है वो नहीं है। फ्रिवोलस एडजर्नमेंट, फ्रिवोलस एडजर्नमेंट वही जो तारीखों पे तारीख लगती हैं, डेट बाय डेट एडजर्नमेंट, द कोर्ट शेल बी एडजर्न इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ। तो इस तरह से जो फ्रिवोलस एडजर्नमेंट है इसकी वजह को भी, ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी, ठीक है, फ्रिवोलस एडजर्नमेंट एंड ओवर लिस्टिंग ऑफ केसेस इन द केस लिस्ट, ठीक है। तो ये सारी क्या है, इसमें कुछ कमियां हैं। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि फास्ट ट्रैक कोड हैव टर्न्ड आउट टू बी अ गुड वे ऑफ डीलिंग विद द सेक्सुअल असोल्ट एंड चिल्ड्रन केसेस सिंस दे गेट द फुल अटेंशन ऑफ द जुडिशरी विच लैक्ड इन हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ पेंडिंग केसेस। तो काफ़ी इसमें जो है वो इन सारी चीज़ों की जो डीलिंग थी, इन सारी मामलों की जो सुनवाई थी बहुत फास्ट तरीके से हुई, जो कि इन सब में नहीं हो पाई ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ पेंडिंग केसेस। तो आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।